हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ ऐसे पकोड़े की रेसिपी शेयर करेंगे जिसे आप एक बार बनाकर खा लिए ना तो आप बाहर के पकोड़े खाना भूल जाएंगे। ये नाश्ते बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बनते हैं। इनको आप नाश्ते में या फिर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। इन्हें मैंने बहुत अलग तरीके से बनाया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 हरी मिर्ची, मिर्ची को मैंने बीच से कट कर लिया है। 1/2 इंच के करीब अदरक लिया है, अदरक को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। 5 से 6 लहसुन ले लिए हैं मैंने, तो लहसुन अदरक और मिर्ची को मैंने एक खलबत्ते में ट्रांसफ़र कर दिया है। थोड़े से नमक ऐड करके इनको दरदरा कूट लेंगे। लहसुन मैंने इसीलिए ऐड किया है ताकि लहसुन मिर्ची और अदरक अच्छे से क्रश हो जाएं। तो ये आप देख सकते हैं, इनको मैंने इस तरह से अच्छे से क्रश कर लिया है। तो अभी इनको साइड कर देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है एक कच्चे आलू, आलू को मैंने अच्छे से छील लिया है। और यहाँ हम लेंगे एक ग्रेटर, ग्रेटर के जो बड़े वाले होल होते हैं उसी की तरफ से हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने आलू को बड़े लच्छों में ग्रेट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम लेंगे एक बॉल में पानी, पानी में हम ऐड कर देंगे आलू को, और आलू को अच्छे से वॉश कर लेंगे 3 से 4 पानी, या फिर तब तक वॉश करेंगे जब तक के पानी अच्छे से साफ नज़र ना आने लगे। तो आलू को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है, सारे स्टार्च निकल चुके हैं। तो अभी इनको हम साइड कर देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़े साइज के प्याज, तो प्याज को मैंने इस तरह से पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है, और सारे प्याज के लच्छों को मैंने इस तरह से अलग कर लिया है। तो अब सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किए हुए आलू, और अब इसमें ऐड करेंगे कूटे हुए लहसुन अदरक और मिर्ची जो मैंने खलबत्ते में कूट करके रखे थे। तो जितना मैंने कूट करके रखे थे सारे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं चटनी को। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच कूटा हुआ सूखा मिर्ची, और 1 चम्मच कूटा हुआ अखा धनिया मैंने लिया है, थोड़े से काली मिर्च पाउडर, और थोड़े से मैंने जीरा पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे थोड़े से, थोड़ा सा मैंने खड़ा जीरा ऐड किया है, और 1 चम्मच भरकर मैंने ऐड किया है अजवाइन, अजवाइन को मैंने क्रश करके ऐड किया है। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, नमक मैंने पहले से ऐड किया था लहसुन मिर्ची और अदरक को क्रश करने के टाइम, तो उसी को ध्यान में रखते हुए नमक ऐड कीजिएगा। और मैंने ऐड किया है थोड़े से धनिया की पत्ती। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी बेसन, अभी हम 1 कटोरी ऐड करेंगे, बाद में हम और ऐड करेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी, और हम बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं अभी हमें बेसन की और ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर 1 कटोरी और बेसन ऐड करेंगे। टोटल मैंने 2 कटोरी बेसन ऐड किया है, मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम ऐड कर देंगे 1 कटोरी दही, दही मैंने 2 से 3 चम्मच ऐड किया है। आपके पास दही है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने 1 चम्मच लेमन जूस भी ऐड किया है। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, साथ में 2 से 3 छोटा चम्मच पानी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं तो ये बैटर हमारे गीले हो सकते हैं। इनका हमें गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब इनको इसी तरह से ऐसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो 1 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी इनको साइड कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मिक्सी का जार, जार में हम ऐड कर देंगे थोड़े से धनिया की पत्ती, और इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 पुदीना के पत्ते। पुदीना आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। 4 मैंने लहसुन लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, मिर्ची आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना आपको तीखा पसंद है। थोड़ा सा मैंने ऐड किया है नमक, और 1/2 लेमन जूस ऐड करेंगे खटास के लिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि चटनी आसानी से पिस जाए। तो अब जार का ढक्कन लगाकर इनको हम बारीक पीस लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने चटनी को पीस लिया है, और अब इनको हम 1 कटोरी में निकाल लेंगे। तो पकोड़े के साथ खाने के लिए मैंने चटनी को भी तैयार कर लिया है, अभी साइड कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्रेड, 6 से 7 व्हाइट ब्रेड मैंने लिया है, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो 2 ब्रेड लेंगे और इनको इस तरह से चौकोर में कट कर लेंगे, त्रिकोण शेप में भी आप कट कर सकते हैं, या फिर जैसा आपको शेप पसंद है वैसा आप कट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अगर ये हमारे नाश्ते की रेसिपी कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपीज अपलोड करूँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने चौकोर पीसेस में ब्रेड को कट कर लिया है। सारे ब्रेड को मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। तो ब्रेड को एक प्लेट में ले लेंगे और इनको अभी साइड में कर देते हैं। चलते हैं अपने बेटर को देख लेते हैं। अब ब्रेड का एक पीस लेंगे जो मैंने काट करके रखे थे, और बेटर से हम अच्छे से कोट कर लेंगे ब्रेड को। एक मोटा सा कोटिंग करेंगे ब्रेड की। तो इस तरह से मैंने ब्रेड के पकोड़े बना लिए हैं। तो अब चलते हैं इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं तेल को गर्म होने के लिए पहले से गैस पर चढ़ा दिया था और तेल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से सारे ब्रेड के पकोड़े बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे फ्राई पैन में जितना स्पेस था मैंने उतना ही ऐड किया है। जो पकोड़े नीचे की तरफ से गोल्डन हो चुके हैं उनको इस तरह से पलट देंगे। तो फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पर इनको क्रिस्प गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे उलट पलट कर। तो पकोड़ों को मैंने 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, हमारे तरीके से बहुत ही मज़े के बनते हैं। बारिश में तो मज़ा ही आ जाएगा चाय के साथ। तो फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा हमारे तरीके से। तो पहला बैच मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और ये अब दूसरा बैच है। इनको भी इसी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। इनको भी मैंने गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई कर लिया है और इनको भी अब निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सारे पकोड़े मैंने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने हैं। इस नाश्ते को आप बारिश में चटनी के साथ एंजॉय करें, बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये बेसन के पकोड़े की रेसिपी कैसी लगी है? अगर थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी ये नाश्ते की रेसिपी थोड़ी बहुत पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस पकोड़े को हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो खाएंगे वो सब तारीफ़ के बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।